हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्ट लास्ट होने वाला है इनोसेंट डिटेक्टिव। ओके, देन उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देन हम अपनी स्टोरी की ओर चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचर कहते बाबा मैं विंग को ये जेल पूरी तरह से दिखा दूंगा। तो वो लोग जेल देखने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग जेल देखते हुए उन कैदियों से बात करना चाहता था। इसलिए विंग कैदियों के पास जाने की कोशिश तो कर रहा था, जहाँ पे वेंचर ने विंग के हाथ को पकड़ दिया। विंग ऐसा मत करो, तुम्हें चोट वगैरह पहुँचा देंगे। वो कैदी बहुत ज़्यादा खुखार हो चुके। तो विंग उन लोगों को देख रहा था, जहाँ पे वो लोग जो ना विंग की तरफ देख रहे थे। पहली बार उन लोगों ने किसी को देखा है जो न्यू है यहाँ पे, इसलिए वो लोग देख रहे थे। बट हमारा वेंचर विंग के हाथ को पकड़े हुए था, जहाँ पे विंग कहते कि इस कुत्ते से कैसे अपने हाथ को छुड़ावे ना, इसके हाथ से कैसे छूटूँ, इसे यहाँ से कहीं ना कहीं भगाना होगा, तभी मैं इन कैदियों से बात कर पाऊँगा, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग ऐसे ही देख रहा था, तो विंग को एक मॉडल नजर आती है जो अचानक से गायब हो गई थी। विंग उस मॉडल को देखता है और विंग वेंचाओ की ओर देखते हुए, वेंचाओ ये तो वही मॉडल है ना, मिस शिया मेहता कुछ ऐसा। तो वेंचाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो विंग कहते वो यहाँ पे, तो वेंचाओ कहता है वो यहाँ पे कैसे नहीं होगी भला, उसने हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे, बोरो किए थे बहुत सारे मनी। एंड देन जब चुकाने की बारी आई तो वो चुका ही नहीं पाई, तो यहाँ पे रह के उसे काम करके हमें पैसे चुकाने पड़ते। तो विंग कहता क्या यहाँ पे काम भी किए जाते हैं, जहाँ पे वेंचाओ कहते हैं कि हाँ ये सारे कैदी जो है ना काम करते हैं। तो विंग कहता ओ कौन सा काम करते हैं, जहाँ पे वेंचाओ कहता कि अब वो तुम्हें नहीं बता सकता। विंग कहता क्यों, बताओ ना मुझे, बताओ ना, वैसे भी तुम्हें तो पता है मैं मरने ही वाला हूँ, मैं किसके थोड़ी ना बताऊँगा। जहाँ पे वेंचाओ कहते विंग ऐसा मत कहो। विंग कहते तुम जानते हो तुम्हारे बाबा मुझे मार डालेंगे। जहाँ पे वेंचाओ चुप हो जाता है, जहाँ वेंचाओ कहता वो यहाँ पे सभी लोग जो है ना ड्रग्स बनाने का काम करते। विंग कहते क्या, तो वेंचाओ कहते कि हाँ सभी लोगों के यही काम है। जिसे सुनने के बाद विंग कहते कि सभी लोग, तो विंग कहता है बट ये तो गैरकानूनी है ना। तो जो वेंचाओ कहते कि तुम्हें पता है विंग, तुम्हें समझ में आना जाना चाहिए कि हमारी फैमिली सारी ऐसे ही काम करती है करके। तो विंग उसे देखता है और चुप हो जाता है। विंग कहता है हाँ छोड़ो, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। जहाँ पे वेंचाओ कहते रुको मैं बुलाता हूँ। विंग कहते नहीं मुझे तुम्हारे हाथों से पानी पीना है, तुम लेके आओ। तो वेंचाओ कहते क्या, तो विंग उसके शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है तुम मेरे लिए पानी लाओ ना वेंचाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम क्या मेरे लिए कुछ इतना सा नहीं कर सकते हो, वैसे भी मैं तो मरने वाला हूँ ना। तो वेंचाओ कहता है हाँ विंग मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, ऐसे कहता है और वेंचाओ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग ऐसे ही घूम रहा था। देन विंग जो है ना घूमते घूमते जो ना धीरे धीरे उन इन लोगों से जो ना दूरी रख के जो है ना बात करने की कोशिश करता है। हेलो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। विंग ऐसे ही जो ना उन लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहा, तभी एक लेडी जो थी ना वो कहती कि बेटा तुम यहाँ पे मत आओ बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओ, तुम जेल से बाहर हो, तुम भाग सकते हो। जहाँ पे विंग उनसे देखता है और कहता है आंटी, उनसे जो ना सारी चीज़ें पूछता है। जहाँ पे वो लेडी बताती है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम होता है करके, एंड उन्होंने क्या किया था जिसके कारण वो यहाँ पे है, विंग को बताती है। और विंग कहता है आप टेंशन मत लीजिए, आप मैं सभी लोगों को बचा लूँगा। जहाँ पे वो आंटी कहती क्या तुम खुद की जान बचाओ, तुम्हारे लिए ही काफ़ी है बेटा, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, तुम्हारे पास मौका है कैसे भी करके, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ, तुम चाहो तो मैं बता दूंगी, बट प्लीज़ भाग जाना बेटा। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और विंग कहता आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी लोगों को बचा लूँगा, सभी लोगों को, सिर्फ आप कैसे भी करके सभी लोगों को अपने एक साथ लीजिए, यानी सभी लोगों को अपने साथ में लीजिए, जिससे जो है ना मुझे मदद मिल सके। जहाँ पे आंटी कहते क्या क्या करने वाले हो बेटा, तो विंग उनको प्लान बताता है। देन विंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वेंचाओ आता है और कहते विंग क्या हुआ, तुम अभी भी यहीं पे खड़े हो। तो विंग कहता है तुम नहीं आए ना, मुझे डर लगता है, तुमने कहा था ये सारे कैदी खुखारे करके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वेंचाओ कहते कि हाँ हाँ सही कहा। और हम इस आइलैंड के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ बोट्स जो है ना उस आइलैंड के पास पहुँच चुकी थी। देन वो देखते हैं कि यहाँ पे तो पूरा धुआं है, यानी आइलैंड नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो देखने के बाद जो है ना सारे लोग शॉक थे। बट जो शिजान थे ना उनके पास जो ना ग्लासेस थे, जिन ग्लासेस की मदद से ये जो धुआं है ना उसके अंदर क्या है वो दिखाई जा सकता था। जहाँ पे शिजान बताते हैं, शिजान कहते हैं कि चलो, एंड उसके बाद सारे लोग सामने चले जाते। वहाँ पे जाने के बाद जो ना कुछ गार्ड्स जो थे ना न्यू ऐसे क्या कहते हैं बोट्स आई, वो जल्दी जल्दी वहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर देते। देन हमारे यहाँ के भी लोग सारे लोग फायर कर रहे थे। जहाँ पे हमारे शीशान थे, जंगशा था, हमारा वांगजी था, सभी लोग थे। देन कुछ टाइम के बाद फायर चल रहा था, एंड अंदर भी वेनरुहान के पास ये खबर पहुँचा। जब वेनरुहान ये सुनता है ना कि यहाँ पे इस आइलैंड पे कोई लोग आए जो
है ना, गवर्नमेंट के ऑफिसर लग रहे करके। विंच विन रोहन को पता चलता है, विन रोहन शॉक था क्योंकि 10 साल हो चुकी इस जगह के बारे में किसी को भी पता ही नहीं चला था। उसने ऐसे इसी डिजाइन किया था कि किसी को पता नहीं चलने वाला था। देन बाहर के लोग जब देखते थे यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं नजर आता था, इसके कारण अंदर जो है आइलैंड वो नजर ही नहीं आता था, तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था। एंड वो सारे गार्ड्स को कमांड देता है कि उन लोगों को यहाँ से जिंदा मत जाने देना करके। देन वहाँ पे बंदूकों से फाइटिंग हो रही थी, जहाँ पे हमारे वांगजी को भी जो खुद के सेफ्टी के लिए गन दी गई थी, जहाँ पे वांगजी के ऊपर अगर किसी ने कुछ किया तो वांगजी उन्हें वापस में फायर कर सकता था, क्योंकि वांगजी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो जस्ट जो ने एक बिजनेसमैन था और कुछ भी नहीं। एंड विंग एक डिटेक्टिव था, शी चैन एक आर्मी ऑफिसर थे इसके कारण। तो वहाँ पे ऐसे ही फायरिंग चल रही थी, जहाँ पे जंगशा एंड शी चैन वो दोनों एक दूसरे को इशारा करते, जिससे जो ना लोगों का माइंड बोले तो जो सारे लोग थे ना उन लोगों को वो कैसे एक साथ में मारेंगे करके वो अलग से स्ट्रैटेजी बनाते और लानसान को अंदर रहने के लिए कहते, जिसके बाद जो है ना जल्दी जल्दी वो लोग अपने सामने का रास्ता क्लियर करते, देन आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ते जा रहे थे और गार्ड्स बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही करते हुए वो लोग पूरे रास्ते को, जो रास्ते पे जितने भी लोग आ रहे थे उन सारे लोगों को यानी मारते जा रहे थे, पूरे सारे लोगों को। ऐसे ही कंटिन्यूसली ये सब चलते जा रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद जो ना वो लोग उस अड्डे के पास पहुंच जाते जहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ था। देन वो पूरी तरह से जो है ना लोहे का गेट था, जिसके कारण जो ना अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जहाँ पे सभी लोग कहते कि हाँ गेट लोहे का है बट दीवारें तो जो है ना मिट्टी है, यानी क्या कहते कॉन्क्रीट की है, तो हम कर सकते। जहाँ पे सभी लोग हमें सिरे लाते हैं, देन वो लोग एक पेड़ को काटने के लिए जो है ना काटने वाली जो मशीन थी ना वो लाते हैं, देन वो एक पेड़ को काटते हैं, जिसके बाद जो ना सभी लोग एक साथ मिलके उस पेड़ को पकड़ते हैं, देन उस दीवार के ऊपर पुश करना स्टार्ट करते हैं जिससे वो दीवार टूट सके। कुछ टाइम के बाद वो दीवार भी क्रैक हो जाती है, क्योंकि जो दीवार तो कमज़ोर थी ना, दीवार से फिर सभी लोग अंदर जाना स्टार्ट करते। बट अंदर अंदर तो बहुत सारे गार्ड जमा हो चुके थे और गार्ड्स वहाँ पे हमला कर रहे थे, जहाँ पे शी चैन और जंगशा कुछ प्लान करते। देन वो लोग अंदर स्नो बॉम्ब थे ना वो फेंक देते, जिसके बाद जो ना वो लोग जल्दी जल्दी फायर करना स्टार्ट करते, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे थे एंड उनकी सेना भी उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी। देन वहाँ पे भी सारे लोगों को मार दिया जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे सब लोग अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे विन रोहन देखता है कि क्या हो रहा है करके। विन रोहन तो सारे मॉनिटर पे देख रहा था कि क्या चल रहा है करके, जहाँ पे विन चाओ को भी बुलाया जाता है, जहाँ पे विंग को एक कमरे में कैद किया जाता है, जहाँ पे विंग कहते हैं विन चाओ क्या हुआ है, तो विन चाओ कहता है कि अलर्ट अलार्म लगाए तो इसके घर मुझे जाना होगा करके, एंड विंग को वहाँ पे रख देता है। जिसके बाद विंग जस्ट एक स्माइल करता है एंड विंग कहता है ओ लगता है कि वो आ गए हैं मुझे बचाने के लिए, ऐसे विंग कहता है। एंड देन विंग सारी चीज़ों को जो है ना सारे लोगों का सपोर्ट लेने के लिए जो ना जल्दी से विंग इधर उधर देखता है, जैसे कि उसे गार्ड नजर आ रहे हैं यानी, तो वहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं था। सभी लोग जो ना अभी इन अर्जेंट अलर्ट के कारण जो सब लोग वहाँ पे गए थे, इसके कारण वहाँ पे कोई गार्ड नहीं था। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है, देन वो अपने पैंट के अंदर से एक चाबी निकालता है, जो चाबी उसने विन चाओ के शर्ट से निकाली थी जब विंग उसके क्लोज था उस टाइम पे, उसने जल्दी से निकाल दी थी, जिसके कारण विंग उस चाबी को लेता है एंड डोर को ओपन करता है। देन वो चला जाता है नीचे, जहाँ पे सारे जो थे ना जो लोग जेल में बंद थे वो लोग थे, विंग जाता है और उनकी ओर देखता है, जहाँ पे वो लोग विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम लोगों को पता है यहाँ की चाबी कहाँ रहती है, तो विंग ऐसे पूछ रहा था, जहाँ पे वो लोग विंग की और कन्फ्यूजन से देख रहे थे। विंग कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम लोगों को पता है यहाँ की चाबी कहाँ रहती है, तो वो कहता है कि सामने जो बड़ा सा बॉक्स है उसमें चाबी रहती है, बट उसे ओपन करने के लिए वहाँ पे एक लॉक है। विंग कहता है क्या लॉक, तो वो कहते हैं कि हाँ पिन कोड है, तो विंग कहते तुम लोग को पता है, तो कहते नहीं हम नहीं जानते ऐसे कहते विंग। फिर उसके बाद वहाँ पे जाता है, देन वहाँ पे पिन कोड को चेक करता है, तो विंग को आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं ना वहाँ जहाँ जहाँ दबाए जाते हैं ना वहाँ के नंबर जो है ना मिटे हुए थे, तो विंग जस्ट जो है ना वहाँ पे ट्राई करता है, 4 अंक वाला वो पासवर्ड था, तो विंग ट्राई करता है बट हो ही नहीं रहा था। विंग को समझ भी नहीं आता वो कैसे किया जाएगा करके, 4 दबाए पहले या 3 दबाए पहले उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग जस्ट देखता है एंड 3-4 बार ट्राई करता है, बट फिर भी वो ओपन ही नहीं हो रहा था। विंग कहता है मैं क्या करूँ, तभी एक लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। विंग उसे देखता है और विंग एक छोटा सा लड़का था वो, तो विंग उसे देखता कहता क्या तुम जानते हो सच में, तो वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैं बताता हूँ, ऐसा कहता है और विंग को वो कोड बता दे, जहाँ पे विंग जल्दी से उस कोड को डालता है। देन सभी लोगों के जो डोर के जो ना ओपन करना स्टार्ट कर दे रहा है और सभी लोगों को कहता है कि चाबी लो एंड सब लोगों के डोर को ओपन करो, देन वैसे ही हो जाता है एंड जेल से सारे लोग बाहर निकल रहे थे। और बाहर निकलते हुए विंग सभी लोगों से कहता है कि मेरे पीछे चलना, कुछ भी गलत मत करना वरना जान जाने का खतरा है,
तो वो सारे लोग कहते कि हाँ हम तुमको फॉलो करेंगे। एंड विंग कहता है कि जो ज़्यादा वीक है उनको सभी लोग सपोर्ट करोगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग उन लोगों को लेके बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद, बाहर मतलब जो है ना वो गेट के पास आ जाते हैं। गेट के पास आने के बाद विंग जो कहता है कि इससे आगे जाने का रास्ता मुझे ढूंढना होगा। एंड विंग कहता है कि जो ज़्यादा स्ट्रांग है कुछ लोग मेरे साथ चल सकते हो, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। एंड विंग के साथ कुछ लोग विंग के साथ अलग चले जाते हैं, और विंग उन लोगों को कहता है कि सब लोग खुद का ख्याल रखना एंड जो भी हथियार मिले अपने हाथों में ले लेना, और कोई आए तो डायरेक्ट उनके पास जाना और उनको वार कर देना, ठीक है। विंग ने ऐसा कहा था एंड देन सभी लोग हाँ में सिर हिलाते। विंग आगे बढ़ चुका था, विंग ऐसे ही करते हुए छुपते छुपते सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड विंग को पता चल जाता है कि कौन आया है करके। विंग को तो पहले ही अंदाजा था, बट विंग कहता है कि तुम लोग आ चुके हो मुझे बुझाने के लिए, ऐसे कहता है। मेरा भाई मुझे कभी मरने नहीं देगा, ऐसे विंग कहता है। तो विंग जा रहा था, विंग का ध्यान एक रूम की ओर जाता है जहाँ पे उस रूम का डोर ओपन था। विंग देखता है, थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे रोहन बैठा हुआ है एंड सारे स्क्रीन को मॉनिटर कर रहा है करके। विंग कहता है क्या यही तो असली खिलाड़ी है, विंग ऐसे कहता है। विंग सब लोग की ओर देखता है और कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको मैं आता हूँ करके। तो वो लोग कहते हैं कि मत जाओ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। विंग जस्ट उनको रिलैक्स करता है। देन विंग अंदर एंटर करता है जहाँ पे विंडो का जैसे मैसेज होता है कि रूम में कोई है करके, तो विंडोन पर्डल कर देता है, कहता है कौन है। तो विंग उसे कहता है ओ अंकल आप हो यहाँ पे, मुझे पता नहीं था, मैं तो गलती से यहाँ पे आ गया। जहाँ पे विंडोन कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता है ओ माई गॉड यहाँ पे तो घुसपैठे घुस चुके हैं अंकल। तो विंडोन कहते तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं उन लोगों को मार डालूंगा। तो विंग कहता मुझे लगता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए अंकल। विंडोन कहता है कि तुम मुझे कैसे मदद कर सकते हो। तो विंग कहता अंकल मैं आपको रास्ता बताता हूँ उन लोगों को मारने का, ठीक है। तो विंग कहता क्या तुम सच में बताओगे। तो विंग कहता अंकल इतना तो भरोसा रखिए ना, मैं भी अपनी जान थोड़ी ना जानते हुए देख सकता हूँ। तो विंडोन उसे देख रहा था, तभी वेंचा होता कहता बाबा उन लोगों ने सारे लोगों को मार डाला है, बाबा ज़्यादा हमारे पास जो गार्ड्स बचे नहीं है, और जो गार्ड्स थे वो आप जानते हो वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो माल डिलीवर करने के लिए बाहर गए। तो विंचाओ ऐसे कहता है। तो विंडोन कहता है कि हाँ, और विंचाओ विंग को देखता है, विंग तुम यहाँ। तो विंग कहता है मैं तो तुम्हारे बाबा की हेल्प करने के लिए आया था, बट शायद से मुझे मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंडोन कहता है बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। तो विंग कहता है कि और अपना प्लान बताता है। सारा प्लान बताने के बाद वो विंचाओ की ओर दिखता है और कहता है विंचाओ तुम मेरी मदद करोगे। विंचाओ कहता है ठीक है विंग, एंड विंडोन कहता है कि ठीक है। जिसके बाद सब कुछ स्टार्ट हो जाता है एंड विंग ने जैसा कहा गया था वैसे हो तो रहा था, बट विंग ने जस्ट कुछ टाइम के लिए कहा गया था। एंड वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें जो हो रही थी ना, तो उससे पता चल चुका था कि जंगशा को कि ये विंग करवा रहा है करके। इसे जानने के बाद जो है ना जंगशा जैसे एक स्मक करते हुए कहता है हाँ विंग तुम कभी नहीं सुधरोगे, ये कांड तेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। जंगशा यही कहता है। जहाँ बेशीजान कहते हैं क्या मतलब है जंगशा, और वहाँ पर से जो है ना मी मिंजू कहते हैं कि हाँ विंग कहीं भी स्टार्ट हो जाता है लगता है, इतने मुसीबत में होने के बावजूद भी ये विंग ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ पे शिजान को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जहाँ पे जंगशा कहता है कि ये उटपटान आइडिया है ना विंग ही दे सकता है किसी को भी। जहाँ पे वो कहते हैं क्या मतलब है। तो जंगशा कहता है कि देखो सामने की ओर वो लोग क्या कर रहे हैं। सामने देखते ही शिजान और वहाँ पे देख के वो शौक, यहाँ पे साबुन के गुब्बारे यहाँ पे कैसे आया अचानक से, वो शौक थे। जहाँ पे जंगशा कहता है कि वो विंग का काम है, क्योंकि विंग का हमेशा यही प्लान रहता है कि अगर साबुन के गुब्बारे आंखों के ऊपर जो जाके फूटते हैं जिसके कारण जो पानी निकलता है वो सीधा अपने आंखों में जाता है, जिसके कारण सामने वाला इंसान देख ही नहीं पाता है, ये उसका प्लान है। तो शिजान कहते क्या ये कैसे कर सकता है, ये ऐसा भी होता है। तो जंगशा कहता है कि हाँ विंग के उटपटान प्लान जो है ना उसकी किताब में लिखे हुए रहते हैं एंड मैं उस किताब को पढ़ता रहता हूँ, तो ये उसके अंदर का एक है। इसके बाद जो है ना शिजान कहते इसका मतलब विंग सेफ है। तो जंगशा कहता है कि हाँ एंड वो उन लोगों की मदद कर रहा है हमसे छुटकारा पाने के लिए, बट उसका मदद करने का तरीका अलग है। तभी वांगजी कहते हैं मुझे विंग के पास जाना है। जहाँ पे शिजान कहते हैं कि वांगजी रुक जाओ हम विंग के पास पहुँच जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। वो ऐसे ही ये फाइटिंग कुछ टाइम तक चलती है। जिसके बाद नी मिंजू अंदर एंटर करते हैं, देन वो नी मिंजू एंटर करते हुए जो मेन रूम था ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे विंग खड़ा था एंड विंग जो है ना विंडोन को विंचाओ को यानी नी मिंजू को देखते, ओ नी मिंजू को देखने के बाद वो शॉक तो थे पर जस्ट एक स्माइल करते हैं एंड नी मिंजू को इशारा करते हैं। नी मिंजू जस्ट अपनी आंखों को झुकाता है एंड देन मुझे बोले तो पलकों से इशारा करते हैं कि हाँ ठीक है। एंड विंग जो है ना नीचे झुक जाता है। जिसके बाद जो है ना नी मिंजू जो है ना विंडोन के ऊपर फायर करते हैं, जहाँ पे वेंजुलियो था उन दोनों के हाथों के ऊपर फायर करते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग शॉक थे, बट तभी जो है ना नी मिंजू विंग के तरफ गन करता है एंड उसके बाद विंग उन लोगों को पॉइंट करता है। जिसके बाद ये खेल पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब हम
पूरे एक घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग जो थे ना वो आइलैंड के पास, यानी सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, जहाँ पे वो सामने देख रहे थे, जहाँ पे मेनरुआन, वेंचाओ एंड वेंसुलियो तीनों बैठे हुए थे। एंड विंग कहता है कि मैंने कहा ना अंदर जो एक बड़ा सा रूम है वहाँ पे सारी फाइल्स मिल जाएगी तुम लोगों को, मुझे पता है, मैंने जब वहाँ पे आया था ना मैंने सारी चीज़ों को ढूंढा था, एंड वहाँ से लोगों को जो ना जितने भी लोग कहते ना उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। एंड विंग वहाँ पे खड़ा था, विंग ने नोटिस ही नहीं किया कि वांग जी भी आया है करके, विंग जस्ट उन लोगों की ओर दिख रहा था। एंड विंग कहता कि इन लोगों को सजा दो, एंड विंग ऐसे ही था। तभी विंग को अचानक से आके जो ना वांग जी बैग से हक करता है, जहाँ पे विंग तो शॉक था, बट तभी विंग को वांग जी का टच एंड वांग जी की जो फ्रेग्रेंस थी ना वो महसूस होती है, जहाँ पे विंग गन को नीचे करता है एंड देन वो पलट जाता है एंड एक स्माइल करता है और कहता है लांजान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतनी खतरनाक जगह पे तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ पे लांजान जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिससे पूरे लोग शॉक, पूरे लोग इधर उधर देख रहे थे जहाँ पे, बट इन दोनों को शर्म नहीं आ रही थी। जहाँ पे लांजान किसको ब्रेक करता है विंग, विंग तुम इस मुसीबत में कैसे पड़ सकते हो, तुम जानते हो तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है खुद का ख्याल रखा करो। विंग कहता है हाँ शांत हो जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पता है ना कितना ज़्यादा ब्रेव है, तो ऐसा छोटी मोटी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लांजान, तुम टेंशन मत लो। देन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ एंड हम दोनों अपना रात वाला मेकआउट सेक्शन कर सकते हैं, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वांग जी उसे देखते हैं, जहाँ पे जंगशा कहते हैं विंग यहाँ पे हम भी है, तो विंग सभी लोगों को दिखता और कहते आह मेरा ध्यान ही नहीं था, लांजान जब भी मेरे पास आता है ना मेरा किसी की तरफ ध्यान नहीं जाता। जहाँ पे शीजान देख रहे थे, जहाँ पे विंग जंगशा की ओर देखते हुए, वैसे भी तुम कैसे मेरे प्यार को समझोगे, तुमने कभी किसी से प्यार ही तो नहीं किया है। जंगशा ऐसे कहते हैं, जहाँ पे जंगशा विंग के फेस के पास आता है और विंग के गालों को जोर से खींचते हुए, अच्छा प्यार प्यार बताओ तुम्हें मैं, रुको रुको घर पे चलने के बाद माँ बाबा तुम्हें सब कुछ बताएंगे। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं मैं आज तो लांजान के साथ रहूँगा, क्योंकि मैंने आज इतनी मुसीबतों का सामना किया है ना कि आज से पहले कभी किसी मुसीबतों का सामना नहीं किया था, ऐसे कहता है। जिसके बाद जंगशा की बातें सुनने के बाद विंग जस्ट कहता है, एंड उसके बाद जो है ना वहाँ से सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, जहाँ पे वेनरुआन वेंचाओ को वहाँ पे कैद किया जाता है, सारे सबूत मिल जाते हैं, देन उनकी जो फैक्ट्रीज थी वो बंद की जाती है एंड वहाँ पे इनोसेंट लोगों को छुड़वाया जाता है एंड सब कुछ हो जाता है कम्प्लीटली। अब हम विंग और लांजान को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों जस्ट घर के सामने उतरते हैं एंड वो जल्दी जल्दी घर के अंदर एंटर होते हैं। जहाँ पे एंटर होने के बाद जो लांजान जो ना विंग को टाइटली हक करता है और कहते हैं कि मैंने कितना खुद को रोका विंग तुम्हारे लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विंग, तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो। विंग कहते हैं मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास सेफ हूँ। तो वो लांजान कहते कि हाँ मुझे कितनी ज़्यादा चिंता हो गई थी, बोले तो वो इमोशनल होके विंग से ये सारी बातें कर रहा था, इमोशनल होके ये सारी बातें कर रहा था। विंग जस्ट स्माइल करता और कहते लांजान क्या हुआ, बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो। जहाँ पे लांजान कहते विंग मैं तुमसे प्यार करता, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ ये भी है लांजान, पता है क्या लांजान कहते हैं, विंग कहते जब मैं वहाँ पे कैद था ना मुझे तुम्हारी एक बार भी याद नहीं आई। तो लांजान कहते क्या विंग तुम क्या कह रहे हो। तो विंग कहते कि हाँ मुझे तुम्हारी एक बार भी याद नहीं आई, पता है क्या। तो लांजान उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है बट मैंने सोचा वहाँ पे रहने के बाद कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा ना देन मैं क्या करूँगा। तो लांजान उसे देख रहा था, विंग कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। जहाँ पे लांजान पूरा शॉक, तब विंग कहता है क्या तुम कुछ कहोगे नहीं। तो लांजान उसे देख रहा था, वो ये प्रोसेस कर रहा था सारी चीज़ों को। जहाँ पे लांजान कहता तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो विंग कहता है कि हाँ क्या हुआ तुम्हें नहीं करनी है क्या बताओ। तो लांजान कहता ऑफकोर्स मुझे करनी है विंग, एंड विंग को टाइटली हक करता है। जहाँ पे विंग स्माइल करता है और विंग कहता है मैंने पहले सोचा था कि मैं टाइम लूँगा बट मुझे लगता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, कब कहाँ से किसी को कुछ हो जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, कहीं फ्यूचर में कुछ मुझे हो ना जाए इसके लिए मैं पछताना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तो लांजान कहते विंग तुम ऐसा मत कहो। विंग कहता है पर सीरियसली लांजान ऐसा होगा ही इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे ठीक है। तो लांजान मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों वॉशरूम जाते, पहले तो वो अच्छे से शावर बाथ लेते क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतने सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो वहाँ पे आए थे ना इसके कारण। देन वो लोग एक दूसरे को हक करके ऐसे ही सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थका हुआ ये माहौल था इसके कारण। हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे विंग उठ चुका था, उठने के बाद वो लांजान को देखते हैं, जहाँ पे लांजान बहुत प्यार से सोया हुआ था अभी भी। जहाँ पे विंग उसके फोरहेड पे किस करता है एंड उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है, देन वो जो है ना लांजान के चेस्ट पे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे लांजान को नींद में कुछ तो महसूस हो रहा था टिकल की तरह,
जहाँ पे लांजन धीरे से आइज को ओपन करता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था एंड उसके जो है ना नेक एरिया पे वो लिख कर रहा था, है ना, छोटे छोटे टिकल टिकल करते जा रहा था। जहाँ पे लांजन कहते विंग क्या कर रहे हो, विंग कहते हैं आई एम हॉर्नी ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजन उसे देखते रहते हैं विंग ये मॉर्निंग है एंड मॉर्निंग में, तो विंग कहते हैं इस चीज़ के लिए जो सुबह ना देखी जाती ना रात देखी जाती, जब हॉर्नी मन होता है तो सब कुछ किया जाता है ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजन जस उसे देख रहा था और कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, एंड लांजन जो जल्दी से विंग को फ्लिप करता है अपने नीचे, लांजन उसके ऊपर था। इसके बाद लांजन कहता है ठीक है अगर मेरा विंग हॉर्नी फील कर रहा है तो मैं उसकी मदद करूँगा ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद लांजन विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। देन वो किस करते हुए जब कब वो लोग इंटीमेट होने लगे उन दोनों को ही नहीं पता चलता। एंड देन उन लोगों के राउंड बाय राउंड होते रहते हैं मॉर्निंग। उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। विंग के फैमिली में फैमिली विंग पे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, तुम कभी खुद का ध्यान नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हो रही थी। एंड जो जंक्शा था ना वो विंग को देख रहा था और विंग कहता था कि प्लीज़ इस बार बचा लो प्लीज़। यहाँ पे यानली भी स्टार्ट हो चुकी थी विंग के ऊपर और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वो कैसे बचेगा। यहाँ पे मैडम यू ने कहा था कि अब तुम घर पे ही रहोगे, जहाँ पे विंग ने कहा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, जहाँ पे मैडम यू ने कहा था कि एक हफ्ते तक तुम्हें घर में ही रहना होगा, तुम्हारी वजह से हम परेशान हो चुके हैं, जब तक हमें लगता नहीं है कि तुम प्रॉपर तरीके से जो है ना ठीक हो करके। विंग कहते मैं ठीक हूँ मुझे एक भी चोट नहीं लगी, तब फिर भी वो लोग ऐसे ही कहते हैं एंड देन विंग को रुकना पड़ता है। देन हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था, जहाँ पे विंग अपने जो है ना कोट को सिलेक्ट कर रहा था, जहाँ पे लांजन भी था। लांजन कहता है कि विंग ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है, जहाँ पे विंग कहता है बट लांजन मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम यहाँ पे हॉट एंड डैशिंग लग रहे हो। लांजन उसे देखता है और कहता है विंग ऐसा मत कहो वरना सामने रूम है, तो विंग कहता है हाँ मैं तो वही चाहता हूँ, तो लांजन क्या, तो विंग जो है ना लांजन का हाथ पकड़ता है। देन वो लोग जो चेंजिंग रूम था ना वहाँ पे घुस जाते हैं एंड वहाँ पे उन दोनों का मेकआउट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे को ब्रूटली सक करना वो स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे वो कुछ टाइम के बाद जो है ना उस रूम से बाहर निकलते हैं जहाँ पे विंग के नेक पे ऊपर बहुत सारे लांजन के बाइट मार के निशान बन चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है कि लांजन अपने पोर विंग के ऊपर कुछ रहम तो किया करो ना, तो लांजन कहता है कि अच्छा हमेशा तो मैं तुम्हारी उम्र रहम करता हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखकर कहता है तुम करते हो, तो लांजन कहता है हाँ विंग मैं तुम्हारी मदद हर हर भाग बार तुम्हारे ऊपर रहम करता हूँ ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग अपने लिए सूट फाइनल करते। देन नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग एंड लांजन दोनों रेडी हो रहे थे, दोनों अलग अलग कमरे में रेडी हो रहे थे एंड वो लोग लांजन कहते हैं कि विंग लांजन एंड विंग रेडी होते। जिसके बाद वो लोग बाहर आते, बाहर आने के बाद जो ना लांजन कहते हैं विंग हम बिना किसी को बताए शादी कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं होगा ना, तो विंग कहते तुम टेंशन मत लो ना हम शादी कर लेंगे देन उन लोगों को बता देंगे। तो लांजन कहते बट विंग सभी लोग तो मान ही जाते हैं ना तुमने ऐसा क्यों किया, तो विंग कहते हाँ लांजन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, चलो चलो पहले हम शादी कर लेते उसके बाद इस बार बात करेंगे। इसके बाद विंग एंड लांजन शादी करने के लिए जो है ना चर्च में आ जाते हैं, वहाँ पे पूछने वो लोग जस्ट शादी ही कर रहे थे कि तभी वॉइस आती की रुको, ऐसी वॉइस आती है क्योंकि अभी जस्ट विंग से पूछा गया था कि क्या मिस्टर लान वांग जी को अपना लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करते हो, देन जो है तभी वॉइस आई थी कि रुको, ऐसी वॉइस है जिसके कारण वो सब लोग देख रहे थे। जहाँ पे विंग देखता है कि सारे लोग आ चुके, तो विंग कहता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे, तो वांग जी विंग क्यों देखता है कहते मुझे नहीं पता। जहाँ पे जंक्शा आते होते विंग तुम शादी करे और तुमने हमें एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो विंग कहता मैं बताने वाला था, तो जंक्शा कहते कब बताने वाले थे, विंग कहते शादी के बाद, तो जंक्शा कहते क्यों तुम क्या हमें अपनी शादी में बुलाना नहीं चाहते थे, विंग कहते बुलाना तो चाहता था बट, तो जंक्शा कहता बट मतलब क्या है विंग बताओ क्या, तो विंग कहता मैं तो सरप्राइज देना चाहता था, तो जंक्शा कहता ये कौन सा सरप्राइज हुआ, तो विंग कहता कि देखो लांजन जंक्शा तुम्हें पता है मेरी विश लिस्ट में क्या था कि मैं भाग की शादी करूंगा, देन मैं भाग की शादी कर रहा हूँ बट तुम लोगों ने मुझे कैसे पकड़ लिया, तो जंक्शा विंग के सर पे जोर से हिट करता है। जहाँ पे विंग चिल्लाते कहते जंक्शा तुम बात बात पर मुझे मारा मत करो, जहाँ पे जंक्शा कहता है ये तुम्हारी गलती के लिए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एंड यान आशेन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे शादी नहीं कर सकते हो अचानक से। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है आप सब लोग आ चुके हैं ना देखिए मैं शादी कर रहा हूँ, जहाँ पे आने लगे बट विंग, तो विंग कहता है प्लीज़ शिजे मुझे लांजन से शादी करनी है, एंड लांजन का भाई भी वहाँ पे आ चुका था, तो अभी विंग कहता है बट तुम लोगों को कैसे पता चला, तो जो है ना शिजान जैसे एक स्माइल करते और शिजान कहते कि लांजन ने जहाँ से ये क्लोथ खरीदे थे ना वो हमारा ही मॉल है एंड उन लोगों ने जो क्लोथ खरीदे ना इसके बाद हमें पता चल गया, देन मुझे अपने थोड़े से भाई की जासूसी करनी पड़ी,
हाँ, जहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा भाई क्या कर रहा है, उसके मोबाइल का रिकॉर्ड देखने के बाद देन मैंने सबको बता दिया। एंड हम लोग यहाँ पे तुम लोगों की शादी में, ऐसा कहता है, और विंग लांसन की ओर, जहाँ पे लांसन कहते मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। विंग विंग कहता है कि हाँ सही कहा, ये पुलिस वाले एंड डिटेक्टिव तुम्हें पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लांसन ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना ये शादी वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। बाद में शादी होने के बाद जो जियांग फेमियान कहते हैं कि हाँ तुम्हें शादी करने के लिए कहा था, हाँ इतनी जल्दी तुमने शादी की कि क्या कर सकते हैं विंग, अब तो मुझे तुमसे मिलने के लिए आना होगा क्योंकि तुम तो आओगी नहीं अपने लांसन को छोड़ के। तो विंग कहता डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ज़रूर आऊँगा आपको आपके पास, टेंशन मत लीजिए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जियांग फेमियान जस्ट एक स्माइल करते कहते हैं मैं इंतजार रहेगा हमेशा तुम्हारा। विंग कहता कि हाँ, देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, सभी लोग अपने अपने। यहाँ पे हमारे वांग जियान विंग अपने घर में आते हैं, जहाँ पे उनका होम स्वीट होम जो जियांग फेमियान के घर के सामने ही था, जहाँ पे विंग ने कहा था कि हम लोग यहीं पे रहेंगे करके। और आज ये घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ये घर सजा हुआ था। जिसके बाद जो है ना विंग एंड लांसन दोनों अंदर एंटर करते हैं, एंड इधर उधर बोले तो विंग इधर उधर देख रहा था सारी चीज़ों को, कैसे ये डेकोरेट था तो विंग देख रहा था, और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट लांसन तभी विंग को उठा लेता है, विंग कहता क्या कर रहे हो। जहाँ पे लांसन कहते तुम भूले तो नहीं ना विंग, आज हमारी वेडिंग नाइट है। विंग कहता मुझे मुझे याद है। तो लांसन कहते तो इन सारी चीज़ों पर बाद में ध्यान देना। और विंग को वो जल्दी से कमरे में लेके जाता है, जिसके बाद उस कमरे का डोर बंद हो जाता है। एंड देन उस कमरे से सेक्सी सी वॉइस गूंजने लगती है, और यहाँ पे ही हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। ओके बाय।